हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ यार। तो जैसे कि भी आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे कि जो अपना एक बंगला रोड है, सॉरी अगर मैं जो अपनी जो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है अगर मैं गलत बोल देता हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बगला बगला रोड ही है। तो इसके बारे में कुछ अपडेट वगैरह देनी थी, तो आपके कमेंट वगैरह आ रहे थे तो मैं सोचा यार इसके ऊपर भी अपडेट वीडियो बना देता हूँ मैं। और अभी रिंग रोड के ऊपर भी अपडेट रह रही है, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रहे हैं इस साल के अंदर, तो उनके ऊपर भी अपडेट रह रही है। तो आने वाले टाइम को आपको टाइम टेबल के हिसाब से मिल जाएगी। तो आई होप आपने जो टाइम टेबल है मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल दिया था कल, तो आपने देख लिया होगा कि जो अपना टाइम टेबल उस हिसाब से वीडियो आ जाएंगी। और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज है मेरा हैप्पी बर्थडे, तो आज फाइनली 19 ईयर का हो जाऊंगा मैं। तो अब उससे पहले ये वीडियो, शायद वीडियो पहले आ गई पता नहीं, तो उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट आ जाएगी चैनल के ऊपर। तो यार अभी बात करते हैं, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ लेकिन वीडियो वगैरह तो मैं बनाऊंगा ही, कोई दिक्कत है नहीं। तो यार अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर 1.06 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और ऐसी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आम लोगों को पता चल सके और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए फिर अभी बिना किसी देरी के इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये रोड है अपना बंगला रोड, तो ये है कहाँ पे? तो ये अपना ये जैसे विलेज है डंडूर, और ये गांव भी है एक वहाँ पे आदमपुर के डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो लोकेशन रहेगी रोड की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जैसे क्लिक करोगे गूगल मैप्स के हिसाब से तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे अपना उसके हिसाब से, यानी गूगल मैप आपको दिखा देगा कि ये रोड कहाँ पे क्या है। तो यार ये तिथि अपनी इसकी लोकेशन के बाद, अब बात करते हैं कि यहाँ पे भाई के कमेंट वगैरह आए थे कि प्रॉपर्टी रेट के बारे में बताओ आप, और जो भी इसके ऊपर है फ्यूचर में क्या है, इसके ऊपर क्या रहने वाले। तो मैं आपको बता देता हूँ यार कि जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई यहाँ पे, मैं आई बटन में दे दूँगा आपको, जो नए सेक्टर हिसार के अंदर कटेंगे तो उसके अंदर भी ना बगला रोड का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया हुआ है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे सेक्टर कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 32 सेक्टर, 32, 36, 37, 39, 30, 31। तो यहाँ पे जो ये सेक्टर रहेंगे ये इसके आसपास कटने वाले बंगला रोड के ऊपर। बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जो न्यू सेक्टर की लिस्ट थी हमारे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर, मैं ये लगा दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बारी बारी कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे रहेगा। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो आधे से ज़्यादा जो सेक्टर है ना वो इसी रोड पे हैं, यानी बंगला रोड है यहाँ पे कटने वाले। तो अब आप सोच सकते हो यार इसकी आने वाले टाइम में क्या है। और इसकी है ना पिछले शायद 3-4 साल पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि यहाँ पे अवैध कॉलोनी वगैरह बना दी थी, तो उसके ऊपर बुलडोजर वगैरह चलाई गई थी। तो वो तो खैर कोई नहीं, वो तो अवैध थी तो उसके ऊपर तो चलानी थी। तो ये थी अपने देखो सेक्टर की बात तो ये है कि नए सेक्टर इसके अंदर कटने वाले हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो इसमें भर भर के काफ़ी ज़्यादा आने वाली है टाइम में। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद इसमें अपॉर्चुनिटी आएगी। उसके बाद मैंने देखे यार इसके मेन बात है प्रॉपर्टी के रेट वगैरह कैसे क्या थे, तो अभी मैं एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ यहाँ पे। देखो अभी इसमें कोई प्रॉपर्टी के रेट वगैरह कोई नहीं बता रहा, मैं इतनी वेबसाइट पर घूमा थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च वगैरह की कि चलो यार कहीं से मिल जाए रेट वगैरह, तो इसके अंदर ही बस ये लोडिंग लोडिंग दिखा रहा है, अभी नहीं हुआ है। तो इसके अंदर है ना डेवलप होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर हो जाएगा 1.5 साल के अंदर, तो धीरे धीरे करके है ना इसमें टाइम लगेगा बंगला रोड के अंदर। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो मैंने बता दिया कि जो इसके प्राइस वगैरह हैं वो अभी तक कोई वो नहीं है, बाकी आने वाले टाइम में जब भी इसके बारे में प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी पूछ रहे थे कि डिक्रीज हुआ है, तो यार देखो प्रॉपर्टी के दाम डिक्रीज होने का तो कम चांस है, बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अपना एयरपोर्ट भी बनने वाला है, उसके साथ अपने नए सेक्टर भी इसके अंदर कटेंगे। तो जो काफ़ी सारे क्या करते हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वगैरह आ रही है इस साल के अंदर, तो उसके चक्कर में है ना इसका हो जाता है अपना। तो मेरे हिसाब से तो जितना मेरा वो है एक्सपीरियंस है उस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट इसमें डिक्रीज नहीं इंक्रीज होने चाहिए। तो अभी ये थी अपने बंगला रोड के ऊपर। और ये मैं बता देता हूँ, और ओम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी नहीं ओम इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ वो भी इसी के पास में पड़ता है बंगला रोड के ऊपर। तो अगेन आपको अगर देखना है कि कहाँ पे क्या रोड है ये, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गूगल मैप्स की, आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे अपने बंगला रोड के ऊपर अपडेट वगैरह। और अभी फ्यूचर में आपको वीडियो टाइम टेबल के हिसाब से मिल जाएगी, मैं अगेन आपको टाइम टेबल बता देता हूँ वीडियो के अंदर। तो हमारी जो वीडियो आएगी संडे से बताता हूँ, संडे को सुबह 7 बजे, मंडे को सुबह 7 बजे, ट्यूजडे को नहीं आएगी, वेनेसडे को आएगी, फिर फ्राइडे को आएगी,
और फिर उसके बाद सैटरडे को नहीं आएगी, संडे को आएगी। तो हफ्ते में 4 वीडियो आएंगी, टाइम हमारे सुबह 7 बजे रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि ठीक है यार, 7 दिन में 4 वीडियो, तो आपको मेरे को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा और आपको भी सही लगेगा थोड़ा। तो ये थी यार अपनी बंगला रोड के ऊपर अपडेट। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, रिलेटेड हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई देने की, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की। अभी काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर, और कमेंट में भी आए थे कि अपना जो ओम यूनिवर्सिटी के बारे में, उस तो मैंने कहा कि चलो यार इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। अब जो भी मेरे को कहता है कि ओम यूनिवर्सिटी कैसी है, तो मैं सिंपली वो वीडियो उनको शेयर कर देता हूँ, ताकि उनसे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी होएगी हेल्प, तो और मेरा एक्सपीरियंस हो गया कैसा क्या है, तो मैंने बता दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो जाके। तो अगेन वीडियो देखने के लिए आपका सभी का थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।